अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे SST। तो आप अपनी बुक देख ली, आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, पहले हम इसके कंटेंट देखते हैं। कंटेंट में देखिए, PA फर्स्ट में आपके चार चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर माई सेल्फ जो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर माई बॉडी ये भी ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे अवर फूड। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो कि पार्ट सेकेंड में आ रहा है। तो आप चैप्टर ओपन कर लिए और अपनी बुक पर यहाँ टॉप पर पार्ट साइकिल लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर सब अपने बुक पर डेट मेंशन कर लिएगा। चैप्टर नेम हमारा अवर फूड। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू लिव। ठीक है, फूड जो है हमारा, ये कह रहे हैं कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है जो कि हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फूड गिव अस एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। वी नीड फूड टू ग्रो, टू प्ले एंड टू वर्क, हमें खाने की ज़रूरत किस लिए है, बड़े होने के लिए, खेलने के लिए, वर्क के लिए, क्योंकि हम अगर खेलेंगे या कोई काम करेंगे हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। जो कहाँ से मिलेगी हमें, फूड प्रोवाइड करता है वो एनर्जी। ठीक है, वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट, अब हम ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जियाँ और फ्रूट यानी फल और ग्रेन्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी गेट मीट मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स, अभी कह रहे हैं मीट मिल्क और एग हमें कहाँ से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। ठीक है, फूड ईटन इन डिफरेंट फॉर्म, अभी कह रहे हैं कि फूड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में खाए जाते हैं, जैसे वी ईट फूड इन डिफरेंट फॉर्म्स रॉ एंड कुक्ड, हम खाने को किस तरह से, खाने को किस तरह से खाते हैं, फूड को हम किस तरीके से खाते हैं, रॉ एंड कुक्ड, कच्चा भी खाते हैं यानी बिना पकाए, रॉ मतलब बिना पकाए, बिना कुक किए। ठीक है, एंड कुक मतलब पका कर खाते हैं। कुकुम्बर मैंगो एंड एप्पल आर ईटन रॉ, कुकुम्बर मैंगो एंड एप्पल जो हैं ये फ्रूट्स हैं जिन्हें हम बिना कुक किए ही खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पेज नंबर 12 देखिए, पेज नंबर 12 यहाँ पर दिया है पोटैटो ग्रेन्स टर्निप एक्सेट्रा आर ईटन आफ्टर कुकिंग। पोटैटो ग्रेन्स टर्निप एक्सेट्रा ये हमारे क्या हैं, ये जो हम कुक करके खाते हैं। ठीक है, पोटैटो ग्रेन और टर्निप इन्हें हम कुक करके खाते हैं। फिर उसके बाद टोमेटो ओनियंस रेडिश कैरेट एक्सेट्रा आर ईटन इन बोथ फॉर्म रॉ एंड कुक। टोमेटो ओनियन और रेडिश जो है और कैरेट जो है ये हम दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं, इन बोथ फॉर्म ईटन इन बोथ फॉर्म, बोथ मतलब दोनों तरीक़ों से, रॉ यानी कच्चा बिना पकाए एंड कुक्ड यानी कुक करके भी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं आवर मील्स, आवर मील्स क्या है, वी ईट 3 मील्स अ डे, पहले तो ये समझ लिए मील्स क्या होता है। मील्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम खाने में खाते हैं, जो हम खाना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वी ईट 3 मील्स अ डे, हम 3 मील्स खाते हैं पूरे दिन में। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, ऑन पेज नंबर 13 यहाँ पर हम देखेंगे, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट बिफोर वी गो टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जो स्कूल जाने से पहले हम सुबह सुबह खाते हैं नाश्ता जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। फिर सेकेंड क्या है, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून वैन वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, फिर उसके बाद हम क्या खाते हैं, लंच करते हैं उसके बाद। ठीक है, जो उसके बाद दोपहर का हमारा खाना होता है, आफ्टरनून का खाना होता है, जो स्कूल से आने के बाद खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंच। देन फिर रात में जो हम खाना खाते हैं, वी ईट डिनर एट नाइट बिफोर वी गो टू बेड, फिर हम उसे क्या कहते हैं, वी ईट डिनर, हम डिनर खाते हैं, जो रात में हम खाना खाते हैं सोने से पहले उसे हम क्या कहते हैं, डिनर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला है टिक द करैक, टिक द करैक फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में ही रखना है। ठीक है, टिक द करैक फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में ही रखना है, और क्वेश्चन आंसर जो है ये कॉपी में करने हैं। तो पहले हम टिक द करैक करते हैं। वी नीड फूड टू, हमें फूड किस लिए चाहिए, प्ले वर्क बोथ ए एंड बी, खेलने के लिए, काम करने के लिए या दोनों के लिए, हमें तो ये दोनों के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी। फिर सेकंड, वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम, हमें फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलते हैं या नॉन ऑफ दीज, तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो ऑप्शन ए। एंड पोटैटो एंड ग्रेन्स आर ईटन, पोटैटो और ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे खाते हैं, हम कुक करके या रॉ कच्चा खाते हैं या नॉन ऑफ दीज, तो पोटैटो और ग्रेन तो हम कुक करके खाते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इस पर टिक कर देंगे।
वी ईट डिनर एट, हम डिनर कब करते हैं, मॉर्निंग, नाइट या आफ्टरनून? तो हम डिनर तो रात में करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चॉइस दे रखी हैं, जिसे आप देख के फिल कर सकते हैं। पहला है वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम फूड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो यहाँ पर आ गया फूड। वी गेट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल, हमें मिल्क और एग कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया, एनिमल्स। कुकुम्बर एंड एप्पल आर ईटन रॉ, कुकुम्बर और एप्पल कैसे खाते हैं हम, रॉ, बिना पकाए खाते हैं, तो यहाँ पर आ गया रॉ। ठीक है, वी ईट लंच इन आफ्टरनून, लंच कब करते हैं हम, आफ्टरनून के बाद, तो यहाँ पर हमने आफ्टरनून फिल कर दिया। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, जो ट्रू हैं उसके आगे हमें टी लिखना है, जो फॉल्स हैं उसके आगे हमें एफ लिखना है। ठीक है, वी कैन लिव विदाउट फूड, इसमें क्या कहा है कि हम बिना खाना के ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हम तो ज़िंदा रह नहीं सकते, तो इसका क्या होगा, फॉल्स, तो इसलिए हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, टोमेटो एंड कैरेट आर ईटन इन बोथ फॉर्म, ये कह रहे हैं टोमेटो और कैरेट जो है दोनों तरीक़ों से हम खा सकते हैं, दोनों तरीके मतलब रॉ एंड कुकड, यानी बिना पकाए और पका के, तो ये तो ठीक है, तो इसका हो गया ट्रू, यानी टी लिख देंगे हम यहाँ। वी ईट ब्रेकफास्ट एट नाइट, अब ये कह रहे हैं हम ब्रेकफास्ट नाइट में करते हैं, तो नाइट में यानी रात में हम डिनर करते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ पर एफ लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ टर्निप, टर्निप इज ईटन आफ्टर कुकिंग, ये कह रहे हैं टर्निप जो है, जो फूड है ये टर्निप, इसे हम कुक करके खाते हैं, तो ये ट्रू है, हम टर्निप को कुक करके खाते हैं, तो यहाँ पर टी हो गया। अब हमारे आए डी पार्ट, आया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपने कॉपी के टॉप पर पार्ट टू, यहाँ पर जिस दिन आप वीडियो ये यूट्यूब पे आ जाएगी उस दिन की डेट लिख दिएगा। यहाँ लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 आवर फूड, यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, वाई कांट वी लिव विदाउट फूड, हम खाने के बगैर ज़िंदा क्यों नहीं रह सकते, तो इसका आंसर है वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी, हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते बिकॉज, क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। देन सेकंड, नेम द फूड डैट वी गेट फ्रॉम एनिमल, अब वो फूड के नाम बताने हैं, वो खाना जो हमें मिलता है एनिमल से, उन फूड का नाम बताना है जो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो इसमें है आंसर वी गेट मीट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मीट मिल्क एंड एग्स। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा, नेम द 3 मील्स ऑफ द डे, अभी हमने पीछे पढ़ा था जैसे अपने चैप्टर में 3 मील्स ऑफ द डे में, कि 3 मील्स ऑफ द डे आर ब्रेकफास्ट, आंसर 3 करके लिखेंगे, 3 मील्स ऑफ द डे आर ब्रेकफास्ट, पहले क्या है हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है, जो हम स्कूल जाने से पहले करते हैं, फिर लंच एंड डिनर। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फूड डैट कैन बी ईटन रॉ, उन फूड का नाम बताना है जो कि हम बिना पकाए खाते हैं, यानी कच्चा खाते हैं, रॉ जिसे हम कहते हैं, यानी बिना पकाए। ठीक है, आंसर नंबर 4, टोमेटो ओनियन कैरेट एक्सेट्रा कैन बी ईटन रॉ। ठीक है, टोमेटो ओनियन कैरेट ये हमारे फूड मटेरियल हैं जिन्हें हम बिना पकाए ही खाते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।